ओम शांति। आज हम अव्यक्त बाप दादा के 28 नवंबर 1979 के मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। मुरली का विषय है, प्रवृत्ति में रहते भी निर्वृत्ति में कैसे रहें। आज बाप दादा अपने कल्प पहले वाले सिकी लदे कोटों में से कोई बाप को जानने और वर्षा पाने वाले किसी विशेष ग्रुप को देख रहे हैं। कौन सा ग्रुप होगा? आज विशेष प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चों को देख रहे थे। चारों ओर बच्चों की प्रवृत्ति के स्थान भी देखे, व्यवहार के स्थान भी देखे, परिवार भी देखे और आज की तमोगुणी प्रकृति और परिस्थितियों का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, राज्य का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, यह हालचाल देख रहे थे। यानी बाबा ने कहा, आज बाबा फैमिली लाइफ वालों को ग्रुप को देख रहे हैं, तो बाबा ने जाके उनके घर भी देखे, उनके बिजनेस प्लेसेस भी देखे, फिर बाबा ने ये भी देखा कि उनके ऊपर तमोगुणी जो आज की परिस्थितियां हैं, आज की जो राजसत्ता है, ये सब बातों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। देखते देखते कई बच्चों की कमाल भी देखी कि कैसे प्रवृत्ति में रहते हुए भी निवृत्त रहते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का बैलेंस रखने वाले बहुत अच्छा श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हैं। सदा बाप के साथी और साक्षी हो, बहुत अच्छा पाठ बजाते विश्व के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण बने हुए हैं। सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर किसी भी प्रकार की माया के वार से व माया के अनेक आकर्षण से सदा सेफ रहने वाले हैं। यानी दुनिया वाले कहते हैं ना कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर, प्रवृत्ति में रहकर लोग योगी नहीं बन सकते, ईश्वरीय ज्ञान को धारण नहीं कर सकते, देखो सन्यासी भी छोड़ जाते हैं। तो बाबे ने कहा, ऐसे बच्चे देखे जो बैलेंस रखते हुए प्रवृत्ति और निवृत्ति का कमाल कर रहे हैं और दुनिया के आगे उदाहरण है कि देखो हम कर रहे हैं। ऐसे विश्व से न्यारे और निराले बच्चों को देखकर बाप भी बच्चों के गुण गाते हैं। कई ऐसे बच्चे देखे जो रहते प्रवृत्ति के स्थान पर हैं, लेकिन सच्चे बच्चे होने के कारण साहब उन पर सदा राजी रहते हैं। न्यारे और प्यारे के रास को जानने के कारण सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं, साथ साथ बाप दादा भी सदैव उन पर राजी रहते हैं। ऐसे स्वयं को और सर्व को राजी रखने वाले राजयुक्त बच्चों को कभी भी अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती। यानी बाबा का भाव ये है कि ऐसे बच्चे जो राज को जानते हैं, अर्थात न्यारे और प्यारे के राज को जानते हैं कि कैसे परमात्मा के प्यारे होकर दुनिया से न्यारे रहना है, परमात्मा साथी है तो दुनिया से हम साखी होकर रह सकते हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल जो बच्चे हैं वो बाबा कहता है उन पर परमात्मा भी राजी रहता है, वो स्वयं पर भी राजी रहते हैं और अन्य भी उनसे राजी रहते हैं, वो ना कभी नाराज़ होते हैं ना कभी नाराज़ करते हैं,
सदा राजी रहते हैं, और इसलिए बाबा कहते हैं उनको काजी की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि काजी मैंने जो फैसला करे तो जो कोई ऐसा इशू ही नहीं उठता, किसी प्रकार का विघ्न ही नहीं उठता, दो राय नहीं होती, कभी मतभेद ही नहीं होता, तो उनको तीसरे के पास जाके कोई अपना फरियाद लेकर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि केस ही नहीं जो काजी बनाना पड़े। हाँ। कई बार सुना है ना, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अपने ही संस्कारों के केस अपने पास बहुत होते हैं, जिस पर अपने अंदर ही बहस चलती रहती है, राइट है या रॉन्ग है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कहां तक होना चाहिए, ये बहस चलती रहती है। और जब अपने आप फैसला नहीं कर पाते तो दूसरों को काजी बनाना पड़ता है। फिर किसी की छोटी बात होती है, किसी की लंबी होती है। अगर बाप और आप दोनों मिलकर फैसला कर दो तो सेकंड में समाप्त हो जाए और किसी को काजी या वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं। बाबा ने देखो इसमें क्या कहा है कि हर आजकल के समय में हर एक के अंदर द्वंद्व चलता रहता है, हर एक के अंदर एक प्रकार का डायलॉग चलता रहता है कि परिस्थितियाँ आती जाती हैं, ये राइट है या रॉन्ग है, ये करें या ना करें, करें तो कहाँ तक करें, तो ये द्वंद्व चलता रहता है। अब बाबा कहते हैं जब इसका फैसला नहीं कर पाते, अपने अंदर परेशान होते हैं, कोई निर्णय नहीं ले पाते, तो फिर किसी दूसरे पास जाके राय लेते हैं, इसको कहते हैं काजी के पास जाना। तो फिर बाबा कहते हैं अपनी मनमत के आधार पर आपके अंदर ये द्वंद्व चलता है। अगर आप बाप को श्रीमत को भी साथ जोड़ लो, परमात्मा की राय ले लो, तो आपका वहीं फैसला हो जाएगा, क्योंकि छोटी मोटी बातें भी होती हैं, बड़ी बातें भी होती हैं, तो अगर आपके आपस में फैसला हो जाए बाप का और साथ लेकर के, तो आपको किसी काजी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक तो अंदर द्वंद्व होता है, फैसला नहीं कर पाते, दूसरे श्रीमत का आधार नहीं लेते, इसलिए आपको किसी तीसरे काजी के पास जाना पड़ता। आग फैलाई नहीं जाती, बुझाई जाती है। प्रवृत्ति का कायदा होता है कि अगर कोई भी बात प्रवृत्ति में होती है तो माँ बाप बच्चों तक भी पहुँचने नहीं देते हैं। देखो ना, घर में क्या होता है कि मान लो कोई घटना हो गई, कोई दुखद घटना हो गई, मान लो पति की नौकरी छूट गई। अच्छा, अब पति आके घर में पत्नी को बताएगा, देखो मेरी नौकरी छूट गई है, तो वो उस बात को आपस में रखेंगे, बच्चों तक नहीं पहुँचाएंगे कि बच्चों को बता दें पिताजी की नौकरी छूट गई, बच्चे भी गुलूम में चले जाएं, उदासी में चले जाएं, तो समेटते हैं ना। इसी तरह कोई भी घटना होती है तो बाबा कोई चिंता की बात आ जाती है, मकान छोड़ने के लिए कोई कह देता है, तो उसको समाते हैं। बाबा कहते हैं आग फैलाई नहीं जाती, आग को बुझाया जाता है। तो बाबा ने कहा वहाँ ही स्पष्ट कर समा देते हैं, अर्थात समाप्त कर देते हैं। अगर तीसरे तक बात गई तो फैलेगी जरूर। हाँ। और जितना कोई बात फैलती है उतना बढ़ती है। हाँ। जैसे स्थूल आग जितनी फैलेगी उतना नुकसान करेगी। ये भी छोटी मोटी बातें भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों की आग है। आग को वहां ही बुझाया जाता, फैलाया नहीं जाता। तो ये बाबा समझा रहे हैं कि काजी के पास जाने के क्या नुकसान है, क्योंकि बात तीसरे के पास चली गई, अब वो बात फैलेगी तो जितनी फैलेगी उतना नुकसान करेगी। और इसको बाबा ने आग से भी कंपैरिजन किया है, क्योंकि जितनी भी छोटी बड़ी बातें होती हैं वो विकारों की आग के कारण ही होती हैं। तब बाबा ने कहा आग को तो हमेशा समेटा जाता है, जितनी फैलेगी उतना नुकसान करेगी। जैसे काम है उसको भी अग्नि कहा गया है,
क्रोध को भी अग्नि कहा गया है, लोभ लालच की भी व्यक्ति को सताता रहता है, चिंताएं सताती रहती हैं, अभिमान व्यक्ति को कितना ईर्ष्या में ले जाता है, नफरत में ले जाता है, वो भी जलाता रहता है। और मोह भी बहुत बड़ा एक अग्नि है, मोह के कारण जिससे मोह होता है उसको कुछ हो जाए या होने का संभावना हो तो व्यक्ति कितना चिंतित हो जाता है। तो चिंता की चिता, भय की चिता, विकारों की चिता, ये आगे तो हुई ना, बाबा कहते इसको जितना समेटा जाए, श्रीमत से ख़त्म किया जाए उतना अच्छा। प्रवृत्ति में बाप और आपके सिवाय तीसरी समीप आत्मा अर्थात परिवार की आत्माओं में भी बात फैलनी नहीं चाहिए। मियां बीवी राजी हो जाओ, नाराज अर्थात राज को न जानने के बराबर। कोई ना कोई ज्ञान का राज मिस करते हो तब नाराज होते हो, चाहे स्वयं से या दूसरे से। यानी अपने से भी तो व्यक्ति नाराज हो जाता है ना, डिप्रेशन में चले जाता है, चिंता में चले जाता है, मुरझाइश में चले जाता है। तो बाबा कहते हैं कि आप की प्रवृत्ति है बाप और आप, तो बाप आपके साथ सभी रिलेशन में आता है, माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, संबंधी कंपेनियन भी है। तो बाबा कहते हैं कि ये आपकी प्रवृत्ति है, तो आपस में आप अपनी बात को सुलझा लो, और बाबा की श्री मत से तो आसानी से सुलझ सकती है, तो फिर क्या होगा, वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी। कोई ना कोई ज्ञान का राज मिस करते हो तब नाराज हो जाते हो, चाहे स्वयं से या दूसरों से। हाँ, ये बाबा जो कहता है स्वयं से या दूसरे से, बाबा ने बताया हुआ है कि हमारे तीन पॉइंट्स हैं, एक तो अपने बारे में जानना, एक बाप के बारे में जानना, और एक ड्रामा के बारे में जानना कि सृष्टि का नाटक कैसे चलता है। तो ज्ञान की पॉइंट्स में या स्वयं को भूल गए, बॉडी कॉन्शियस में आ गए, या परमात्मा को भूल गए, या फिर ये नाटक है ड्रामा को भूल गए, क्यों क्या पैदा हो जाएगा, तो फिर उससे फिर नाराज़गी आएगी। तब बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा का ज्ञान ना होना अर्थात ज्ञान की किसी न किसी पॉइंट को मिस करना, किसी चीज़ के आद मध्य अंत को नहीं देखना, उसके रेपिटेशन को नहीं देखना, नाटक की स्टोरी को यथार्थ नहीं मानना, कोई ना कोई क्वेश्चन पैदा हो जाता। तो वकील करने से वही छोटी बात बड़ा केस बन जाती है। हाँ। इसलिए तीसरे को सुनाना अर्थात घर की बात को बाहर निकालना। जैसे आजकल की दुनिया में जो बड़े केस होते हैं वे अखबार तक फैल जाते हैं। हाँ। तो यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के अखबार में पड़ जाता है। तो क्यों नहीं आपस में फैसला कर लो। क्योंकि यहाँ भी ऐसे ही है कि कोई बात किसी की सुन लेते हैं तो इसको कहा जाता है BBC, ब्राह्मण ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, तो सारे परिवार में वो बात फैल जाती है। जैसे दुनिया में भी बड़ी बड़ी बातें अखबारों में आती है तो सारी दुनिया को पता लग जाता है कि देखो इतना बड़ा सेठ है, इसके परिवार में भी झगड़ा हो रहा है जायदाद के लिए, तो फैलती है ना बात। तो बाबा कहते इसलिए इसको जितना घर की घर में रखो उतना अच्छा, समाप्त कर दो। बाप जाने और आप जाने, तीसरा ना कोई। कोई कोई बच्चों का संकल्प पहुंचता है कि मियां बीवी तो ठीक, लेकिन मियां निराकार और बीवी साकार तो मेल कम होता है। इसलिए कभी मिलन होता है, कभी नहीं होता है, कभी रूहान पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती। क्योंकि अगर आत्मा भी मनुष्य आत्मा बन के परमात्मा से निराकार रूप में रू रिहान ना करे तो वो पहुँचती नहीं। तो कभी आत्म रूप में रू रिहान कर पाते हैं, कभी बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं। तब बाबा कहता है जो आप कह रहे हैं बाबा कि सेटल कर लो, तो हमारी निराकार स्थिति ना हो फिर हम क्या करें। तो बाबा ने कहा कभी रू रिहान पहुँचती है, कभी नहीं पहुँचती। हाँ। अर्थात रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। हाँ। इसलिए
काजी करना पड़ता है, ये बच्चे कह रहे हैं बाबा से। लेकिन मियां ऐसे मिला है जो बहुरूपी है, जो रूप आप चाहो तो एक सेकंड में जी हजूर के हाजिर हो सकते हैं, लेकिन आप भी बाप समान बहुरूपी बनो। जैसा देश वैसा भेष, बाप तो एक सेकंड में आपको उड़ाकर वतन में ले जाएंगे। बाप वतन से आकार में आते हैं, आप साकार से आकार में आओ। मिलने के स्थान पर तो पहुंचो, स्थान भी तो ऐसा बढ़िया चाहिए ना। सूक्ष्म वतन आकारी वतन मिलने का स्थान है। अब बाबा ने कहा देखो मिलने की विधि बताई है। उन्होंने कहा ना, आप बच्चे कहते हैं बाबा आप निराकार हम साकार, तो कैसे मिलन होगा? कभी कभी हमारी निराकारी अवस्था पहुंचती है, कभी नहीं। तो बाबा ने कहा है बीच की स्थान है मिलने का, कि मैं निराकार से आकार में आ जाता हूँ, आप साकार से आकार में आ जाओ, तो आकारी वतन में मुलाकात हो सकती है। तो बाबा ने समझाया है कि रूह रिहान करनी हो तो आकारी रूप धारण कर लो, जैसा देश वैसा वेश। बाबा भी आकारी रूप में होगा, तो आकारी रूप में तो फीचर्स होते हैं ना, चाहे वहाँ आवाज़ नहीं होती, लेकिन जैसे फीचर्स होते हैं उससे मूवी के द्वारा सारी बात समझ में आ सकती है। जैसे आप सपना देखते हैं, अब सपने में आपका शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, लेकिन फीचर्स होते हैं इसलिए आपको एक्चुअली फीलिंग आती है कि मैं भाग रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। तो बाबा कहते हैं वो वतन ऐसा है जहाँ तुम्हारी मुलाकात हो सकती है। मिलने के स्थान पर तो पहुँचो, स्थान भी तो ऐसा बढ़िया चाहिए ना। सूक्ष्म वतन आकारी वतन मिलने का स्थान है, समय भी फिक्स है, अपॉइंटमेंट भी है, स्थान भी फिक्स है, फिर क्यों नहीं मिलन होता? हाँ, बाबा ने कहा मैंने टाइम भी दे रखा है कि अमृत वेले कोई भी आत्मा आके मेरे से मिल सकती है, तो इसलिए फिर क्यों नहीं मिलन करते? सिर्फ गलती क्या करते हो कि मिट्टी के साथ वहां आना चाहते हो। ये है देह, मिट्टी है, जब मिट्टी का काम करना है तब करो, लेकिन मिलने के समय इस देह भान को छोड़ना पड़े। जो बाप की ड्रेस वह आपकी ड्रेस होनी चाहिए, समान होना चाहिए ना। कहते हैं ना इंद्रप्रस्थ में कोई परी थी, कोई आदम जात को ले गई, तो सारे इंद्रप्रस्थ में उसकी स्मेल फैल गई कोई आदम आया है। अर्थात दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति किसी ने किसी से मुलाकात करनी हो वैसे भी, तो अपना काम छोड़ कर के अलग से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मान लो कोई मिठाई बेचने वाला है, उसने किसी से बात करनी है, तो मिठाई बेचते बेचते तो नहीं बात करेगा, उसको छोड़कर 5 मिनट साइड में आके बात करेगा। ऐसे ही बाबा कहता है अब मैंने तो अपॉइंटमेंट फिक्स कर रखी है, इस पर्टिकुलर टाइम पर अमृत वेले आप मेरे से आकर आसानी से खुले तरीके से मिल सकते हो, कोई टाइम का बंधन नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। अच्छा, अब बाबा कहता है कि फ़र्क क्या है कि तुमने मिलना है मेरे से और तुम अपने मिट्टी की यानी देह सहित आना चाहते हो, तो सूक्ष्म वतन में शरीर सहित तो कोई नहीं आ सकता ना। बाबा ने कहा आकारी और निराकारी बाप दादा बन जाते हैं, आप भी आकारी फरिश्ता ड्रेस पहन कर आओ, चमकीली ड्रेस पहन कर आओ, तब मिलन होगा। ड्रेस पहनना नहीं आता है क्या? ड्रेस पहनो और पहुंच जाओ। ये ऐसी ड्रेस है जो माया के वाटर या फायर प्रूफ है। इस पुरानी दुनिया के वृत्ति और वाइब्रेशन प्रूफ है। इतनी बढ़िया ड्रेस आपको दी है, फिर वह अपॉइंटमेंट के टाइम पर भी नहीं पहनते। पुरानी ड्रेस से ज्यादा प्रीत है क्या? अब बाबा कहते हैं कि मैंने तुमको उस मिलन के लिए एक चमकीली ड्रेस भी दी हुई है फरिश्ता की, उसको धारण करो, फटाफट मेरे पास आ जाओगे। अब अपॉइंटेड टाइम पे तो वो ड्रेस पहन लो ना,
जैसे दुनिया के लोग लौकिक में कुछ काम करते हैं, लेकिन जब कहीं जाना होता है खास जगह तो वो ड्रेस पहन के जाते हैं ना। तो इसी तरह बाबा कहते हैं वो फरिश्ते की ड्रेस पहन लो, उसमें गुण ही गुण होते हैं, चमकीली ड्रेस है, अवगुण की उसमें बात ही नहीं होती और कलयुगी कोई भी संस्कार उसमें नहीं होता, इसलिए मुलाकात अच्छी होगी। जब दोनों समान चमकीली ड्रेस वाले होंगे और चमकीली जब दोनों समान चमकीली ड्रेस वाले होंगे और चमकीले वतन में होंगे तब अच्छा लगेगा। एक पुरानी ड्रेस वाला और एक चमकीली ड्रेस वाला जोड़ी मिल नहीं सकती, इसलिए अनुभव नहीं होता, पुराने वाइब्रेशन इंटरफियर कर देते हैं, इसलिए आपसी रू रिहान का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, क्लियर समझ में नहीं आता, इसलिए औरों का अल्पकाल का सहारा लेना पड़ता है। काजी को छोड़ो और राजी हो जाओ। वैसे यह मियां बीबी का नाता इतना स्नेही और समीप का है जो इशारे से भी समझ ले, इशारे से भी सूक्ष्म संकल्प में ही समझ ले, ये ऐसा प्रीत का नाता है। फिर बीच में तीसरे को क्यों डालते हो? तीसरे को डालना अर्थात अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करना, यानी बाबा चाहते हैं कि मैं आत्मा और शिव बाबा इन दोनों के बीच में कोई तीसरा ना रहे क्योंकि वो इंटरफियर करेगा और उसको नुकसान ही पहुंचाएगा ना आपको। तीसरे को डालना अर्थात अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करना है। हाँ, ये रू रहान करो कि मेरा मिलन कैसे हुआ, मेरी रू रहान क्या हुई, हम शरीक सहयोगी बन आपस में रू रहान करो, काजी बना के रू रहान नहीं करो, केस लेकर रू रहान नहीं करो, तो काजी को छोड़ दो और राजी हो जाओ। बाबा कहते हैं कि अन्य आपके साथी सहयोगी आत्मा हैं, उनसे ये रू रहान भले करो कि बाबा से मेरी कैसे बात हुई, अपनी मुलाकात का अनुभव सुनाओ, लेन देन करो, लेकिन वो केस उनसे सॉल्व कराने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि वो भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो भी लिमिटेड बुद्धि वाले हैं और आपका केस और ही बिगड़ जाएगा और आपकी बात फैल जाएगी। बाबा ने कहा इसको परमत कहते हैं ना, एक तो हमारी मन मत में हम कन्फ्यूज हैं, तो मन मत को हम परमत से और जोड़ लेंगे तो हमारा कन्फ्यूजन और ही कन्फाउंड हो जाएगा ना। बाबा ने कहा जब पसंद कर लिया फिर बीच में किसी को क्यों डालते हो? बीच में डालते हो तो बीच भवर में आ जाते हो। दुनिया में वैसे भी कोई अपनी बात करते हैं तो दूसरा बैठा होता है उसके कहते हैं भाई तुम जरा, वो खुद ही कह देता है अगर आपने कोई अपनी बात करनी तो मैं जाऊं, नहीं तो कह देते हैं कि भाई आप जाओ, क्योंकि वो बीच वाला जो है वो इंटरफेरेंस, उसके बैठने से वाइब्रेशन की इंटरफेरेंस भी आती है। बचाने की मेहनत फिर भी मियां को ही करनी पड़ती है। अब जब भंवर में फंस जाती है आत्मा फिर पुकारती है, इसलिए विश्व कल्याण का कार्य रह जाता है। फिर पूछते हैं विनाश कब होगा? अब बीवियां तैयार ही नहीं तो विनाश क्या करें? समझा, विनाश क्यों नहीं हो रहा? ड्रेस का परिवर्तन करने नहीं आता तो विश्व को कैसे परिवर्तन करेंगे? अच्छा, अब प्रवृत्ति वालों का हालचाल फिर सुनाएंगे। आज तो आपकी प्रवृत्ति का हाल सुनाया। फिर बाबा ने याद प्यार दिया। ऐसे सदा राजयुक्त युक्ति युक्त सदा समीप संबंध में रहने वाले, सदा राजी रहने वाले और सर्व को राजी रखने वाले, सदा मिलन मनाने वाले, ऐसे सदा बाप के साथी और
साक्षी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा की टीचर्स से मुलाकात। टीचर्स अर्थात बाप समान सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। टीचर्स को हर वर्ष कोई नया प्लान बनाना चाहिए। सेवा के प्लान तो स्टूडेंट्स भी बनाते हैं, लेकिन टीचर्स को विशेष क्या करना है? अब ऐसा अपना संगठन बनाओ जो सबके मुख से ये निकले कि यह अनेक होते भी एक हैं। जैसे यहाँ दीदी दादी दो हैं, लेकिन कहते हैं दोनों एक हैं, तो यह प्रभाव पड़ता है ना? जब ये दो होते हुए भी एक समान एक दूसरे का रिगार्ड देते, दो होते हुए एक दिखा रही हैं, तो आप अनेक होते हुए एक का प्रमाण दे सकते हो। जैसे कहते हैं सबकी वाणी एक ही होती है, जो एक बोलती वही सब बोलते हैं। बाबा ने कहा कि देखो दीदी और दादी दोनों यज्ञ की हेड थी, तो जो लोग दीदी से कोई बात पूछेंगे, राय पूछेंगे, उसका जो दीदी उत्तर देगी, अगर वो दादी से जाके पूछेंगे वो भी वही उत्तर देगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिगार्ड दे के एक जैसी उनकी सब कुछ था। तो लोग ये कहने लग गए थे ये दो में एक है, तो प्रमाण था, वरना किसी भी इंस्टीट्यूशन के दो हेड नहीं होते। तो बाबा ने ये भी करवा के दिखाया कि हैं दो, लेकिन दोनों एक जैसा मिला के चलते हैं। अब बाबा ने कहा आप भी जो टीचर्स हो, तो टीचर भी, क्योंकि टीचर बाबा के समान श्रेष्ठ हैं, तो आप टीचर भी, जो जितने भी टीचर हो, सब एक होकर नहीं चल सकते। तो उसमें बाबा ने फिर अब तक क्या क्या आपके अंदर एक है वो बता रहे हैं। ये बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले आते हैं, कोई आपसे मिलने आता है, कुछ बात ज्ञान सुनने आता है, वो क्या कहता है? कहते हैं सबकी वाणी एक है, किसी से पूछ लो, एक ही बात करते हैं, एक ही बोली बोलते हैं, इनका ड्रेस भी एक जैसा ही है, इनका व्यवहार भी एक जैसे, तो वो एकता दिखती है ना, उसको बाबा वर्णन कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा जैसे कहते हैं कि सबकी वाणी एक ही होती है, जो एक बोलती वही सब बोलते हैं, ड्रेस भी एक जैसी, वाणी सबकी एक ही ज्ञान के पॉइंट्स की होती है, भले सुनाने का ढंग अलग हो, सार एक ही होता है। वैसे ऐसा ग्रुप बनाओ जो सब कहें ये अनेक नहीं है, एक है। यही विशेषता है ना? तो एग्जाम्पल कोई निमित बने जिसको फिर सब फॉलो करें। इसमें जो ओटे सो अर्जुन, तो कौन अर्जुन बनेगा? जो अर्जुन बनेंगे उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगी। सिर्फ एक बात का ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी बात, क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक दूसरे को सहयोग दें, विशेषता देखते हुए कमजोरियों को न देखना न सुनना, ये अभ्यास पक्का करना पड़ेगा। बाबा ने कहा बहुत सारी चीज़ें तो आपकी एक समान हैं, जो ज्ञान सुनाते हो, चाहे को किसी भी टीचर से सुन ले, यहाँ सुन ले, चंडीगढ़ में सुन ले, न्यूयॉर्क में सुन ले, कहेंगे ज्ञान एक ही सुनाते हैं, इनके इनकी एक ही जैसी बोली है, इनको पढ़ाने वाला कौन है? सोचते हैं ना इनके पीछे सोर्स क्या है। तो बाबा ने कहा यहाँ तक तो है, लेकिन सबका एक ही हो जाए तो उसके लिए बाबा कहते हैं डिसिमिलैरिटीज़ जो हैं वो सारी डिसॉल्व हो जाए और सिमिलैरिटीज़ इकट्ठी हो जाए, तभी तो एक जैसा होगा ना। उसका बाबा फार्मूला बता रहे हैं कि देखो गुण सबके, अगर गुण हो, सबकी विशेषताएं इकट्ठी हों, तो क्या होगा? सबके गुण सबकी विशेषताएं एक समान दिखेंगी।
इसके लिए फिर बाबा कह रहा है कि किसी की कमज़ोरी, किसी की कमी देखो, तो उसके लिए फिर क्या करो जो वो डिफरेंस ना लगे, एक जैसा लगे। तो इसलिए बाबा ने पहले कहा सहयोग दो, और फिर कहा कि सबकी सिर्फ विशेषताएं देखो, कमी नहीं देखो। देखते हुए भी कमज़ोरी को समा कर सहयोग देते रहें। हाँ, ये सारी मुरली समाने की थी ना, तो बाबा ने कहा इसलिए देख रहे हैं इसमें ये डिफरेंस है, इसमें ये कमज़ोरी है, तो कमज़ोरी देखकर उसको सहयोग देना बंद नहीं करना, बल्कि ऐसा सहयोग दें जो उसकी कमज़ोरी भी निकल जाए। तिरस्कार नहीं करें, लेकिन तरस की भावना रखें। जैसे दुखी आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनते हो, वैसे कमजोरियों के ऊपर भी रहम दिल बनो। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बाबा हमेशा कहते हैं, तरस करो। दुनिया के अंदर भी लोग भगवान से क्या मांगते हैं? मर्सी, तरस। ये भगवान मेरे ऊपर रहम करो, हैव गॉड हैव मर्सी ऑन मी। वो खुद रियलाइज करते हैं कि मैंने कुछ ना कुछ गलती की हुई है, मैं रॉन्ग हूँ, मैंने कुछ अवगुण है मेरे अंदर, सिनर हूँ, फिर भी क्या कहते हैं, मर्सी करो। और परमात्मा भी क्या करता है, आप देखेंगे परमात्मा दो ही काम करता है, जो अच्छा है उसको अच्छा कहता है, जो अच्छा नहीं है उस पर तरस करता है। भगवान गुस्सा नहीं करता, घृणा नहीं करता, कंपटीशन नहीं करता, उसका तिरस्कार नहीं करता, इग्नोर नहीं करता, दो ही काम करता है, अच्छे को अच्छा कहता है, जो ना अच्छा उस पर तरस करता है। रहम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तब बाबा कह रहा है कि आप भी जो अच्छा है एक जैसा है वो तो ठीक है, गुण है, किसी में कमी कमजोरी है उसको देखो, तो आपका क्या फ़र्ज बनता है, उसका तिरस्कार नहीं करो, अर्थात उसको इग्नोर नहीं करो, बल्कि उस पर रहम करो। क्योंकि जख्मी के ऊपर, कमज़ोर के ऊपर वैसे भी आप क्या करते हो दुनिया में, कमज़ोर कोई व्यक्ति होता है, उठ नहीं सकता, तो आप सहारा देते हो या तरस तो करते हो, देखो बेचारा उठ नहीं सकता, ऐसे तो नहीं उसको और दबा के कहते हो कि ले तू तो गिरा हो और गिर जा। तो बाबा इसलिए कह रहा है कि तरस की भावना, रहम की भावना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दूसरे में हिम्मत नहीं है, दूसरा गलती में अपनी में उलझा हुआ है, वो अपने वश में ही नहीं है, जो अपने आप को नहीं संभाल सकता वो और क्या करेगा। अगर ऐसे रहम दिल बन गए तो क्या हो जाएगा? अनेक होते हुए भी एक बन जाएंगे। वैसे भी लौकिक में देखो, जो समझदार परिवार होते हैं, स्नेही परिवार होते हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे की कमजोरी की बात समाकर एक दूसरे के सहयोगी बनकर बाहर अपना नाम बाला करते हैं। यानी दुनिया में भी जो फैमिलीज होती हैं, अच्छी समझदार फैमिलीज होती हैं, उसमें उतार चढ़ाव आ जाता है, किसी का बिजनेस डाउन हो जाता है, किसी को कोई नुकसान हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं, वो उसकी बात को समा करके, उसको हेल्प करके, एज ए होल ऐसा बाहर इमेज प्रोजेक्ट करते हैं कि एक हैं, ये सब संपन्न हैं, ये सब ठीक हैं, ये सब सहयोगी हैं, ये सब संगठित हैं, उससे उनकी पारिवारिक शक्ति, उनकी पारिवारिक संपन्नता, उनकी गुडविल, उनका जो रिस्पेक्ट है वो कायम रहता है। अगर वो एक दूसरे की कमजोरी को बताना शुरू कर दें तो फिर क्या होता है, जिसको कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, तो दूसरे के मन में उनके सारी की सारी फैमिली के लिए वो रिस्पेक्ट नहीं रहता। तब बाबा कह रहे हैं इसी तरह अपने आप को सारी टीचर या सारा संगठन मजबूत करने का ये तरीका है। बाबा ने कहा अगर कोई परिवार में गरीब होता है तो उसको मदद देकर के भरपूर कर देते हैं, ये भी परिवार है। अगर कोई संस्कार के वश है तो क्या करना चाहिए? सहयोग देकर, हिम्मत बढ़ा करके, उल्लास में लाते हुए उसको
अपना साथी बनाना चाहिए। फिर देखो अनेक होते भी एक हो जाएंगे। ये करना मुश्किल है क्या? बाबा कहता देखो कि ये है तो आसान, अगर इस फार्मूले को रखा जाए तो दूसरा भी उठ जाएगा, आपकी सेवा हो जाएगी और संगठन मजबूत हो जाएगा, सब कहेंगे ये तो एक है। जब वरदानी मूरत हो तो वरदानी कभी किसी की कमजोरी नहीं देखते। वरदानी सदा सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। ऐसे करके दिखाओ तो क्या करेंगे? ऐसा कोई आत्मिक बॉम्ब लगाकर दिखाओ। टीचर्स का कर्तव्य ही यह है। जैसे बाप कमजोरी दिल पर नहीं रखते लेकिन दिलाराम बनकर दिल को आराम देते हैं, तो टीचर अर्थात बाप समान किसी की कमजोरी को देखो ही नहीं, दिल पर धारण नहीं करो, लेकिन हरेक की दिल को दिलाराम समान आराम दो। तो सब आपके गुणगान करेंगे। किसी कमजोरी वाले की आप कमजोरी ना देखो बल्कि उसको हिम्मत बढ़ाओ, उसको शाबाश करो, उसका उमंग बढ़ाओ, तो उसके दिल में आपके लिए जीवन भर के लिए सम्मान और रिस्पेक्ट पैदा होगा। ये मेरा शुभ चिंतक है, ये मेरा हितैषी है। जब सब एक दूसरे के शुभ चिंतक हो जाएंगे तो नेचुरली संगठन की शोभा बढ़ेगी। दुनिया में भगत भी क्या करते हैं, प्रभु से क्या कहते हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और कहते हैं कि मैं तो जो हूँ जैसा हूँ लेकिन आप मेरे ऊपर कृपा करो, तो भगवान भी देखता है कि बेचारे में हिम्मत ही नहीं है तो उस पर तरस खाता है। तो बाबा ने कहा साथी हो चाहे प्रजा हो, हर आत्मा के मुख से दुआएं निकले, आपके लिए आशीर्वाद निकले कि ये सदा स्नेही और सहयोगी आत्मा है, ये बाप समान रहम दिल दिलाराम की बच्ची दिलाराम है, दिल को आराम देने वाला है, दिल को दुखाने वाला नहीं, तब कहेंगे योग्य टीचर। अगर टीचर ही कमी देखें तो स्टूडेंट और टीचर में अंतर ही क्या हुआ? टीचर तो बाप की गद्दी नशी है। साथ में बाप की गद्दी पर विराजमान होना, सबसे समीप तो साथी ही बैठेंगे ना। टीचर अर्थात गद्दी नशीन। तो ऐसी कमाल करके दिखाओ, समझा? टीचर किसको कहते हैं? इसमें कोई भी प्राइज ले सकता है। टीचर के मुख से कभी भी किसी की कमजोरी वर्णन नहीं होनी चाहिए, विशेषता ही वर्णन हो। टीचर का अर्थ ही है बाप समान हिम्मतहीन की लाठी बनने वाली, समझा? टीचर किसको कहते हैं? विस्तार तो अच्छा बना रही हो, अब संगठन का सार बनाना है। यानी सेवा तो फैल रही है लेकिन उस सेवा में शक्ति भर के एक समानता ला के संगठित रूप में सबको एक जैसा, जैसे बाबा ने कहा कि सब में एक दिखे, सब में विशेषताएं दिखे, वो करना है। बाबा की पार्टियों से मुलाकात। बाप दादा बच्चों का कौन सा स्वरूप सदा देखते हैं? बाप बच्चों का सदा संपन्न संपूर्ण स्वरूप ही देखते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि भले आज जरा हलचल में हैं, लेकिन अचल होना ही है, थे और वही पाठ बजाकर संपन्न बनना ही है। बीच की हलचल है, न थी न रहेगी, ये मध्यकाल की बात है। इसलिए बाप सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ रूप में देखते हैं। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को भी अपना सदा श्रेष्ठ रूप ही दिखाई दे, फिर कभी भी नीचे आएंगे ही नहीं। नीचे तो कितना जन्म रहे हो।
63 जन्म उतरने का ही अनुभव किया। अब तो उतरते उतरते थक गए हो ना कि अभी भी टेस्ट करनी है। अब चढ़ना ही चढ़ना है। उतरना समाप्त हुआ, सिर्फ संगम युग ही चढ़ने का युग है, फिर तो उतरना शुरू हो जाएगा। अगर इतने थोड़े से समय में भी उतरना चढ़ना होता रहेगा तो फिर कब चढ़ेंगे? जैसे औरों को कहते हो, अब नहीं तो कभी नहीं। बाबा ये कह रहे हैं कि बाबा आपका फाइनल रूप देखते हैं, और बच्चों को जो सारा बाबा ने सुनाया है कि दूसरे की कमी नहीं देखनी, कमजोरी नहीं देखनी, तो हर एक का वर्तमान रूप नहीं देखो, अपना भी और अन्य का भी फाइनल संपन्न रूप देखो। तो फिर बाबा ने संपन्न रूप को ज्ञान के हिसाब से हमें समझाया है कि देखो 63 जन्म तो द्वापर से लेकर कलयुग तक तो तुम नीचे ही उतरते आए, नीचे ही उतरते आए। नीचे कैसे उतरते आए? कमी कमजोरियां देखते आए, गिरती कला में आते आए। अब बाबा कहता है कि अब कौन सा समय है? अब है ही चढ़ती कला का समय, क्योंकि संगम युग में चढ़ना ही चढ़ना है, और केवल संगम युग में चढ़ना है। सतयुग में जाके सतयुग के डे वन से भी थोड़ा सा उतरना शुरू हो जाता है। वैसे तो बाबा ने 63 जन्म कहा, 84 जन्म में डे वन से ही थोड़ा थोड़ा तो आत्मा में फर्क पड़ता है। तो बाबा कहते अब चढ़ती कला का समय है, तुम संगम युग में हो, तो चढ़ती कला में भी अगर चढ़ना उतरना करो, कि 4 सीढ़ी चढ़ जाए, 5 सीढ़ी उतर जाए, 6 सीढ़ी चढ़ जाए, 4 सीढ़ी उतर जाए, तो बाबा कहते तो फिर चढ़ती कला का लाभ तो नहीं लिया ना। इसलिए जैसे बाबा हमारा संपन्न चढ़ती कला तो क्या संपूर्ण चढ़ती कला की संपूर्ण चढ़ाई का रूप देखता है, अपना और दूसरों का वो रूप देखोगे, आज का नहीं देखोगे, तो कमी कमजोरियां ना अपनी नज़र आएंगी ना दूसरों की। बाबा ने कहा ऐसे अपने को भी यही स्मृति दिलानी है, अब नहीं चढ़े तो उतरना शुरू हो जाएगा, तो सदा चढ़ती कला, इसमें बहुत मजा आएगा। इस जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नजर नहीं आएगी। भविष्य जीवन में तो अप्राप्ति और प्राप्ति के जीवन का पता ही नहीं होगा। अभी दोनों का पता है तो मजा अभी है ना। ब्राह्मण बनना अर्थात चाहिए चाहिए समाप्त। जब बाप ने सर्व खजाने दे दिए, चाबी भी दे दी, फिर मांगते क्यों हो? क्या कुछ छिपा कर रख लिया है जो कहते हो चाहिए? बाप ने बिना मांगे सब दे दिया। आपका मांगने का रूप भी बाप को अच्छा नहीं लगता। विश्व के मालिक के बालक मांगे तो अच्छा लगेगा। जो आपको जरूरत है वो सब दे ही दिया, तो अब क्या करेंगे? इसी नशे में रहो कि हम विश्व के मालिक के बालक हैं, तो मांगना समाप्त हो जाएगा। अब माया जीत का झंडा चारों ओर बुलंद करो। जब ये झंडा बुलंद हो जाएगा तो सब झंडे नीचे झुक जाएंगे। अभी रस्सी खींच रहे हो, जब झंडा चढ़ जाएगा तो प्रत्यक्षता के फूलों की वर्षा होगी। एक दो को सहयोगी बनाकर माया जीत के वाइब्रेशंस फैलाओ। अब ऐसा किला मजबूत करो, इतना किला पक्का हो जो माया की हिम्मत ही न रहे। अगर किसी में आए तो उसे दूर से भगा दो। तो ये थे आज के मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन। ओम शांति।